ओम नमस्कार। RSM YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थात अति महत्वपूर्ण हरियाणवी मुहावरों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे, जो हरियाणा की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे HSSC की परीक्षाएं हैं, SSC की परीक्षाएं हैं, जितनी भी हरियाणा की पात्रता परीक्षाएँ हैं सभी में पूछी जाती हैं, और इन्हें आप रट लें जिससे परीक्षा में आप इन्हें आसानी से कर सकें। आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हरियाणवी मुहावरे, और एक बात मैं बताना भूल गया, इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जिससे उसको भी उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। ठीक है, मुहावरे और अर्थ दोनों बताएंगे इनके हम। अंगाई करना अर्थात तृप्ति होने के कारण अभिमान करना, अकल का पछ लठ ले कर पड़ना अर्थात मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, आल करना अर्थात दंगा या शरारत करना, इमली के पत्तियां पर ढंड करना अर्थात समृद्धि की कल्पना करके ही मग्न रहना। अगला है एक अंडी में दो पेट करना अर्थात पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। अगला है कुल्लों में गुड़ फोड़ना अर्थात किसी बात को गुप्त रखने की असफल कोशिश करना। अगला है कोले लाठी धरना अर्थात लड़ाई के लिए तैयार रहना, कोली भरना गले लगना, खुरी खोदना बल प्रदर्शन करना, गंगाजल ठाना अर्थात कसम खाना, गोड्डे टूटना अर्थात निराश होना, घर का खोद्या पानी पीना अर्थात पूर्णतया आत्मनिर्भर होना। आगे है चिलम भरना खुशामद करना, ची बोलना तोबा करना, चूरने लड़ना अर्थात उत्तेजित होना, जड़ पाड़ना अर्थात समूल नाश करना, टांग तले का निकटना अर्थात अधीनता या पराजय स्वीकार करना, ठाडा छीकना तृप्त हो जाना, ठोडी पकड़ना मन्नते मांगना, ततैया लड़ना क्रोध आना, तिकड़म बिड़ाना युक्ति निकालना, थूक का चाटना कही हुई बात से मुकर जाना, थेकली चढ़ाना गरीबी के दिन काटना, दा मारना अनपेक्षित लाभ उठाना, दिखताना करना जबरदस्ती करना, पल्ले का गांठ मारना कसम खाना, बारा बाट होना नष्ट होना, बारा बाट होना अर्थात नष्ट होना। आप सभी को हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें संदेश के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी अपनी आगामी परीक्षाओं में इसका लाभ उठा सकें।
धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।